नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिमूव बूट कैंप x64 एरर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस एरर को हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है ताकि आपने जो इंस्टॉलेशन के लिए ट्राई किया है, जो एरर आपके सामने आई थी वो एक बारी रिमूव हो जाए टेम्परेरी फाइल से, ताकि उसके बाद इसकी मेमोरी में कोई भी फाइल ना हो जब हम उसको इंस्टॉल करने के लिए वो ट्रिक अप्लाई करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा बूट कैंप का ड्राइवर हमने डाउनलोड कर रखा है, ये हमारा सेटअप है दोस्तों, जिसे हम ओपन करते हैं तो वो एरर आ रही है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम रिस्टार्ट करना है, जो मैंने कर लिया है आप पहले रिस्टार्ट करना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर खोलना है CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यस। उसके बाद जहाँ पे आपका ड्राइवर डाउनलोड है आपको डाउनलोड में जाना है, ये हमारा डाउनलोड है बूट कैंप। यहाँ पर दोस्तों आपको सेटअप ओपन नहीं करना है, यहाँ पर आपको ड्राइवर फोल्डर में जाना है, एप्पल में जाना है, यहाँ पर आपको दोस्तों ये एड्रेस कॉपी करना है, राइट क्लिक कॉपी, और उसके बाद दोस्तों आपको कमांड प्रोमोट में टाइप करना है CD स्पेस, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो एड्रेस हमने कॉपी किया, पेस्ट एंटर। तो दोस्तों ये हमारी डायरेक्टरी यहाँ पर चेंज हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो एप्पल के फोल्डर के अंदर बूट कैंप का जो एप्लीकेशन है हम इसको ओपन करेंगे कमांड प्रोमोट से। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है बूट कैंप प्रॉपर्टी, देखिए आप यहाँ पर बूट कैंप जो है वो MSI फाइल है, .msi। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बूट कैंप .msi, एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और हम यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर में बूट कैंप ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज के वीडियो के लिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, थैंक यू।